नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली मंजिल संस्थान द्वारा स्थानीय महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने जनपद पिथौरागढ़ के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी व उपरांत नेता काशी सिंह हरि द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। पिथौरागढ़ के इतिहास को लेकर पद्मादत्त पंत व डॉक्टर दीप चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत ने पिथौरागढ़ पर किस्सेबाजी की और साथ ही लेखक अध्यापक महेश पुनेठा द्वारा कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखी गई। इस दौरान थल की सांस्कृतिक टीम नृत्यालय महाविद्यालय संगीत विभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर शोर शिरोमणि पुरस्कार डॉक्टर स्वर्गीय खड़क सिंह वल्दिया, अर्जुन अवार्डी हरिदत्त कापड़ी, सुर कोकिला कबूतरी देवी व कच्चहारी बाबा को सम्मानित किया गया। साथ ही लोक कलाकार भीमराम भावराग ताल टीम व अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में गए कलाकार महेश राम को भी सम्मानित किया गया। जनपद स्थापना दिवस के अवसर पर भाटकोट में नगर वासियों ने धरा को हरा भरा रखने के संकल्प के साथ पौधरोपण किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, ललित मोहन कापड़ी, निवर्तमान सभासद किशन खड़ायत, वन विभाग के हेमचंद्र किम सिंह सोन, फार्मासिस्ट गोपाल सिंह बिष्ट ने पौध रोपित कर उसके संरक्षण का संकल्प लिया। पिथौरागढ़ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोरा का भ्रमण कार्यक्रम लगातार जारी है, जिसके तहत आज पंडा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने व उनके समाधान को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। इस दौरान भाजपा युवा नेता मनीष बिष्ट की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष बोहरा ने भगवान केदार बाबा के मंदिर सौंदर्यकरण के लिए 3 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा की। इससे पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा भाजपा नेत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के रोहन बिष्ट सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ कैंपस में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर के दौरान आज प्रतिभागियों को आपदा काल के दौरान पीड़ितों को राहत, सुरक्षा और बचाव के साथ प्राथमिक उपचार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण के तीसरे दिन SDRF के खेमराज और जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षुओं को बाढ़, अतिवृष्टि, भूकंप और दुर्घटना में सुरक्षा तथा बचाव के तरीकों की जानकारियां दी और स्वयं प्रदर्शन कर प्रशिक्षुओं को समझाया। इससे पूर्व सोसाइटी के स्वयंसेवक मनोज जोशी ने आपदा काल के अनुभवों को साझा किया। इस दौरान रेडक्रॉस सोसाइटी के जिला चेयरमैन MC पंत ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों से प्रतिभागियों को परिचित कराते हुए आवश्यक जानकारियां दी। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य कृपाल वल्दिया, समाजसेवी महिमन कन्याल, इंदर बतियाल, मोहित पांडे, कबीर धामी, स्वयं सेवक हर्ष भंडारी, पंकज जोशी, दीपक जोशी, हिमांशु राज मेहता, वीर कार्की, वीर कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन भगवान सिंह द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पूर्व चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट ने करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से तैयारी में बाधा उत्पन्न होने की बात कहते हुए तैयारी को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। विद्यालय के व्यायाम शिक्षक भुवन चंद्र उप्रेती ने छात्रों को पैनिक होने पर ध्यान करने को कहा। यहाँ पर भी ध्यान सत्र करवाया गया। इस अवसर पर बहादुर सिंह, शंकर बोरा, नवीन जोशी, सुभाष गणेश, सृष्टि बोरा सहित सभी अध्यापक व 10वीं 12वीं के छात्र व छात्राएं मौजूद थी। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के न्यू लिंक रोड स्थित निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ नगर की कैंट रोड स्थित स्वर्गीय श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष एडमिशन फीस माफ व मासिक न्यूनतम फीस के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान विषय की पढ़ाई, अन्य विद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस, प्री स्कूल सुविधा सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
पिथौरागढ़ खंपा कॉलोनी निकट द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल में आगामी 14 फरवरी से कक्षा प्री से 8 तक निःशुल्क प्रवेश किया जा रहा है। यूपीआई के माध्यम से महिला के खाते से 2,60,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया। बीते नवंबर माह में गंगोलीहाट में एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बहू के खाते से यूपीआई के माध्यम से 2,60,000 की धोखाधड़ी की गई है। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार एसआई हरीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी राज जोशी पुत्र कैलाश जोशी निवासी सिंधिया नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश में उसके घर पर 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामिल कराकर उसे न्यायालय और पुलिस के समक्ष पेश होने की हिदायत दी। पहले एक युवक के साथ मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने पर युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में 3 लोगों के मध्य मामूली विवाद के चलते एक युवक के साथ मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे शुद्ध होकर युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले को लेकर ग्राम करणपुर निवासी राजविंदर कौर ने कुंडा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि बीते 1 जनवरी को उसके भाई का राहुल के साथ विवाद हुआ था। विवाद के अगले दिन गांव के ही समानांतर लोगों ने आपसी समझौता करा दिया। बीते 7 फरवरी की रात राहुल दिलजीत सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई हरमीत के साथ मारपीट की, साथ ही मारपीट का वीडियो बना लिया और 21 फरवरी को आरोपियों ने इस मारपीट के वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे शुद्ध होकर उसके भाई ने विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुंडा थाना प्रभारी दिनेश पटियाल ने बताया कि राहुल दिलजीत सिंह और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है। शेष दो की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। नैनीताल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बनबुलपुरा हिंसा के वांछित आरोपी अब्दुल मालिक को नैनीताल पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर लाई। पुलिस ने अब तक 82 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश जारी है। इस मौके पर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि देखिए बनपुलवा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें लंबे समय से फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक की नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसको हमारी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करके इसको हमारी टीम जो है वो यहाँ लेके आई है। जल्दी इसको कोर्ट में पेश करना है। इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और डीआई साहब की तरफ से 5,000 रुपये का और डीजीपी साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने 2 अन्य अभियुक्त जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में जो अपराध उसमें संलिप्त थे, तो 2 अन्य अभियुक्तों की और उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल माँ त्रिपुरा में बारात बैठक पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।